हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर इग्नू के बीसीए सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने एमसीएस 021 सब्जेक्ट कोड का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। उस वीडियो में हुआ क्या था कि फर्स्ट 6 मिनट्स का ऑडियो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ सम ग्लिच। पहले 6 to 7 मिनट्स की ऑडियो नहीं आ रही है, इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन छूट गया है। तो मैं इस वीडियो में इस फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 3, 4, 5, इन क्वेश्चंस के आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स में आंसर करने की जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन सीरीज़ के लिए जैसे आप एमसीएस 021 प्रिपेयर कर रहे हो ना, इसी के साथ आप क्या करो, बीसीएस 042 जो मेरी सीरीज़ है, इसके भी क्वेश्चंस आप क्वेश्चन के वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि 30 to 40% जो सिलेबस है इसका और इसका सेम है, ठीक है ना। तो काफ़ी टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, तो बीसीएस 042 भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन था कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है ना। एल्गोरिदम क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था उसने। तो पहले चलते हैं उसकी तरफ। तो इसमें क्या था कि एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए जैसे आप एक प्रोग्रामर हो, अगर आप एक कोडिंग करते हो, और अगर आप एक कोडर हो, जब आप कोडिंग करते हो तो आप सी लैंग्वेज में कोड लिखते हो, लाइक इंट ए बी सी, ठीक है ना, फिर ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, समथिंग लाइक दैट आप कोड लिखते हो। दिस कोड इज ओनली अंडरस्टैंडेबल टू द कोडर्स और द प्रोग्रामर्स ओनली। लेकिन जब आप किसी और बंदे को ये कोड का समझाने लगोगे तो जिसको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसी कोड को एक आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हुए कंसेप्ट बनाए जाते हैं या कंसेप्ट को लिखा जाता होता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम प्रोग्राम लिखने से पहले लिखी जाती है। अगर आपने एल्गोरिदम लिख दिया है और उस एल्गोरिदम को प्रॉपरली सही तरीके से चेक कर लिया है तो एल्गोरिदम डिजायर्ड रिजल्ट आपके कोड के रूप में दे देगी। एल्गोरिदम वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं या फॉर्मूला होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। इन शॉर्ट, कोड लिखने से पहले कोड का लॉजिक जो है, लॉजिक एक एल्गोरिदम में लिख दिया जाता होता है। ये एल्गोरिदम आसान भाषा में लिखा होता है और ये जनरल लैंग्वेज को फॉलो करता है ताकि कोई भी बंदा, जो कोई आम बंदा भी बिना कोडिंग, जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो उस एल्गोरिदम के कंसेप्ट को समझ सके। एल्गोरिदम कई जगहों पे यूज़ की जाती है, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, कहीं पे भी रीजनिंग टास्क हो, कहीं पे भी कैलकुलेशंस हो, तो उसमें आप अपना एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हो। एल्गोरिदम के इनपुट, एल्गोरिदम के ऑपरेशंस और एल्गोरिदम के आउटपुट, तीनों चीज़ें मेंशन की जाती हैं। मतलब आपने प्रोग्राम में जो करना है, इनपुट एल्गोरिदम लगानी है या ऑपरेशंस लगाने हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन होते हैं। ये अनएम्बिजियस होता है। अनएम्बिजियस का मतलब क्या है कि जब भी आप एल्गोरिदम मेंशन कर रहे हो तो एल्गोरिदम में जो कोड हो वो ऐसा हो जो एम्बिजियस ना हो, ठीक है ना। जैसे रिपीट वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जब तक आई 10 से छोटा है तब तक के लिए कोड चले, ठीक है ना। कई बार ये कोड आपका जेन्युइन नहीं होता या आपकी ये कंडीशन थोड़ी गलत हो रही है, तो उस तरीके से अनएम्बिजियस नहीं होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए, 5-6 स्टेप्स में ख़त्म हो जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। इफेक्टिव होना चाहिए और आपका जो रिजल्ट है वो इंटेंडेड रिजल्ट आपको मिल जाए, वो भी कम से कम टाइम में, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम क्या है, एक प्रोसीजर है टू राइट अ पर्टिकुलर कोड। जब आप एक एल्गोरिदम लिख लेते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एल्गोरिदम लिख लिया, ठीक है ना। आपका टास्क था कि आप एक एलिमेंट सर्च करना चाहते हो कि लिस्ट में वो एलिमेंट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो सर्च करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च जो पॉपुलर है, और एक होता है बाइनरी सर्च। ये आपको दोनों एग्जाम्स में आते होते हैं, ठीक है ना। तो सर्च के प्रोसेस के ही दो तरीके हैं, लीनियर और बाइनरी। इन शॉर्ट, दो एल्गोरिदम्स हैं, लीनियर एल्गोरिदम और बाइनरी एल्गोरिदम। अगर एज अ कोडर, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक एल्गोरिदम को चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करोगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट बेसिस आप डिसाइड करोगे कि मैं बाइनरी कोड को यूज़ करूँगा, या ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड कि मैं लीनियर कोड यूज़ करूँगा। दो मेन बेसिस एल्गोरिदम्स में कंसिडर किए जाते हैं, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। जो एल्गोरिदम कम से कम टाइम लेगा, जो एल्गोरिदम कम से कम स्पेस लेगा मेरे प्रोग्राम को कैलकुलेट करने में, मैं उसी को कंसिडर करूँगा। तो टाइम एंड स्पेस आर द टू फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर एन एल्गोरिदम। नाउ द थिंग इज, हाउ शुड आई कैलकुलेट द टाइम, कि अगर सर मैंने एक लीनियर सर्च का कोड लिखा है, कितना टाइम ले रही है ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ,
या कितना स्पेस ले रही है ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, इसी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं जो आपको टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं किसी भी एल्गोरिदम का। अब कई बच्चों को ये लगता है कि जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम को मैंने रन किया 9:05 पर, ठीक है ना, और प्रोग्राम बंद हो गया 9:07 पर, तो 2 सेकेंड लगे हैं या 2 मिनट लगे हैं, तो 2 मिनट ही हमारा टाइम एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ऐसा नहीं होता, एल्गोरिदम्स कोड लिखने से पहले ही एल्गोरिदम्स लिखी जाती हैं और ये एल्गोरिदम्स के बेसिस पे ही आप टाइम कैलकुलेट करते हो। मींस आपको मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला कोई अप्रोच लगा के ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम को चला के देखोगे तो इस प्रोग्राम की स्पीड के लिए कई फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, आप किस मशीन पर चला रहे हो, उसका रैम क्या है, उसकी SSD पड़ी है नहीं पड़ी हुई है, कितने बिट का है, ठीक है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट दिस टाइम। इसलिए कभी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये नहीं होता कि प्रोग्राम को चला के हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम जो आप कोड लिखते हो, जो आप एल्गोरिदम लिखते हो, उसी की आप टाइम कैलकुलेशन करते हो यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आर द टू फैक्टर्स यूजिंग विच वी कैलकुलेट हाउ मच टाइम और हाउ मच स्पेस एन एल्गोरिदम टेक्स व्हाइल इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, वही चीज़ जो मैं समझा चुका हूँ कि कितना टाइम ले रही है, और हमेशा कोशिश होती है कि कम से कम टाइम ने हमारा काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। कितना टाइम ले रही है इसको कैलकुलेट करने के लिए कई तरीके होते हैं, उनमें से बिग ओ नोटेशन बहुत पॉपुलर है, बिग ओ है, बिग थीटा है और बिग ओमेगा है, लेकिन पॉपुलर बिग ओ नोटेशन ही कंसिडर किया जाता होता है। फिर आ गया मेमोरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कि भाई आपका प्रोग्राम कितने मेमोरी ले रहा है। मान लीजिए सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल 4 bytes लेता है, ठीक है ना, तो 3 variables कितने लेंगे, तो 12 bytes लेंगे, ऐसे कितनी मेमोरी ले रहा है, ठीक है ना। ये भी कम से कम होना चाहिए कितनी मेमोरी ले रहा है, ये भी इनपुट्स और आउटपुट्स के बेस पर डिसाइड की जाएगी। एंड सेम बिग ओ नोटेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट मेमोरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी एज वेल। इसके अलावा उसने पूछा था टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है कि कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपको दोनों फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग की ही बात करें, ठीक है ना, तो अगर मैं इस पर लीनियर सर्च अप्लाई करता हूँ तो लीनियर सर्च लेस मेमोरी लेता है, ठीक है ना, लेस मेमोरी लेता है लेकिन स्पेस ज़्यादा लेता, मोर टाइम लेता है कैलकुलेट करने को। लेकिन जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च उल्टा है, बाइनरी सर्च लेस लेता है टाइम और मेमोरी लेता है कम, मेमोरी लेता है ज़्यादा, मोर मेमोरी, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं लीनियर चूज़ करूँ कि मैं बाइनरी चूज़ करूँ। ऐसे सिचुएशंस में आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि आप मेमोरी की तरफ जा रहे हो कि आप टाइम की तरफ जा रहे हो। अगर आप टाइम की तरफ जा रहे हो तो आपको मेमोरी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आप बाइनरी सर्च चूज़ करोगे। अगर आप मेमोरी की तरफ जा रहे हो टाइम छोड़ना पड़ेगा, तो आप लीनियर की तरफ जा रहे हो तो लीनियर सर्च चूज़ करोगे। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। आइदर वन ऑफ द फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड और देयर इज नो वे टू फाइंड द ऑप्टिमम रिजल्ट फॉर बोथ दी कंडीशंस, तो ऐसे केस में आप ट्रेड ऑफ यूज़ करते हो, ट्रेड ऑफ इधर मेमोरी स्पेस की कम्प्लेक्सिटी को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं टाइम की कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो एल्गोरिदम्स अवेलेबल है वो दोनों फैक्टर्स कम करके मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका उसने एग्जाम्पल बोलने को बोला था। देखो ये समझाने के लिए तो ठीक था लीनियर और बाइनरी सर्च, लेकिन दिक्कत ये है कि इसका कोड अलग है, यानी ये कुछ और तरीके से काम कर रहा है, ये कुछ और तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लीनियर और बाइनरी भी आप लिख सकते थे, लेकिन एक ये फिबोनाची सीरीज के एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, जो कि ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है, ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल है आपके कोड को समझने के लिए। फिबोनाची रिकर्शन के थ्रू भी हो सकती है। फिबोनाची क्या होती थी, पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 1 है, इन दोनों को प्लस किया 1, इन दोनों को प्लस किया 2, इन दोनों को प्लस किया 3, इन दोनों को प्लस किया 5, इन दोनों को प्लस किया 8 एंड सो ऑन। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए, इसके लिए आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। फिबोनाची में होता क्या है, अगर आप इस नंबर को n कंसिडर करते हो तो ये इसके पिछले नंबर n-1 और इसके एक और पिछले नंबर n-2 के प्लस के इक्वल होता है ना। तो उसी बेस पे हमने फिबोनाची रिकर्शन के इस कोड को लिखा है। पहले दो नंबर्स के लिए हम ये प्रोसेस पिछले दो नंबर्स का एडिशन नहीं करते होते हैं। तो जब तक मेरा n लेस देन इक्वल टू 1 है तो वही n में रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मेरा n, जैसे ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन, जैसे ही n मेरा 2 से बढ़ जाता है, 2 या 2 से बढ़ जाता है, तो मुझे इस लूप को रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा। ये रिकर्सिव अप्रोच है, ये टाइम ज़्यादा लेती है कैलकुलेट होने को, लेकिन स्पेस कम ले रही है कैलकुलेट करने को। और इसी रिकर्सिव अप्रोच को मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है। अगर मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करूँगा,
ठीक है ना, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग से मुझे एरे यूज करना पड़ेगा प्रीवियस रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, 0, 1, 1, 2, 3, तो इन रिजल्ट्स को मैं कहीं स्टोर करके रख लूंगा सारे रिजल्ट्स को। तो इसको स्टोर करने के लिए मुझे एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एरे बनाना पड़ जाएगा इसलिए मेमोरी स्पेस ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, लेकिन टाइम ये कम लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार कॉलिंग नहीं हो रही है, तो ये टाइम कम लेगा लेकिन मेमोरी टाइम कम लेगा लेकिन मेमोरी स्पेस ज़्यादा ले लेगा। तो दोनों केसेस को अपने हिसाब से देख सकते हो कि एक ही अप्रोच को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो इनमें से किसी एक तरीके को मैं अपनाऊंगा, तो एक फैक्टर को कंसिडर करूंगा जैसे स्पेस को या मेमोरी को, दूसरे को छोड़ दूंगा, यही टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन फर्स्ट के बी सी डी पार्ट और फर्स्ट के सेकंड के 2 और AB पार्ट, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, थर्ड का ए टॉपिक क्या है मेरा, कि एल्गोरिदम लिखो मेरे दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने को। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं, लाइक 3x² + 2x + 4 और 5x² + 3x + 3। तो आप इनको अगर ऐड करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 3 8x² 2 + 3 5x + 4 + 3 7। तो वो कहता है कि ये कोड लिख के दो मुझे, इसका एल्गोरिदम लिख के दो मुझे। तो पहले मुझे, मैंने आपको पॉलिनोमियल समझाया है अपने वीडियो में, ठीक है ना, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैंने समझाए हैं, ठीक है ना, कि पॉलिनोम इस तरीके की इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है जिसको आप एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन पॉलिनोमियल्स पे आप एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री एन मतलब जैसे एक्स की पावर 4 है, ठीक है ना, कि डिग्री एन हो, इज टू स्टोर द कॉफिशियंट ऑफ n+1, एक n+1 टर्म्स को आप स्टोर कर सकते हो कॉफिशियंट्स और डिग्री को। टू अचीव दिस हम क्या करते हैं, दो एरे बनाते हैं, एक कॉफिशियंट के लिए और एक्सपोनेंट के लिए। मैंने एग्जांपल दे दी कि पॉलिनोमियल का एडिशन कैसा लगेगा, तो 2x² ये स्क्वायर ही है, ये सिंबल होता है रेज टू का, ठीक है ना, इसलिए ऐसा लिखा गया है। 2x² + 3x + 4 को x² + 5 से प्लस करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा। अब इसके लिए हमने एल्गोरिदम लिखना था, पहले मैंने समझा दिया, अब एल्गोरिदम लिखना था। तो एल्गोरिदम क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया है कि पॉलिनोमियल n = 3 होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे 3x² + 2x + 1, इससे बड़ी इक्वेशन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि 3x³ + 2x² + 3x + 1, लेकिन मैंने अपनी एल्गोरिदम में यही लिखा है। अगर आप यहाँ पे n = 4 कर दोगे तो ये कंसिडर को, ये सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करने लगेगा, 5 कर दो 6 कर दो। फिर हम क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन लेंगे, एक जैसे ये था आपका 3x² + 2x - 5 और एक इक्वेशन था 2x² + 5। इसको मैं बोल रहा हूँ पॉली 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ पॉली 2, ठीक है ना। यहाँ पे = 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 ही आना था। फिर हम क्या करेंगे, इनके एरे बना लेंगे, ठीक है ना, और इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे। अब इन वैल्यूज को स्टोर कैसे किया जाएगा, 3x² + 2x - 5 को मैं स्टोर कैसे करूँगा, इसको ऐसे स्टोर करूँगा कि इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट और इसको हम बोलते हैं पावर पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करूँगा, 3 और 2 का एक एरे बना के रखूँगा पहले के लिए। अगले के लिए क्या करूँगा, ये 2 है, इसकी पावर 1 मानी जाती है, 2x को हम 2x की पावर 1 कंसिडर करते हैं, तो 2 और 1 स्टोर कर लूँगा, ठीक है ना। और जो 5 है और ये 1 है, तो 1 को हम x की पावर 0 कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 हमेशा आपका 1 ही कंसिडर किया जाता होता है, तो x = 0। तो अगली बार के लिए मैं 1 और 0 स्टोर करूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने पॉलिनोमियल्स को स्टोर करूँगा, ठीक है ना। जब ये स्टोर हो गया तो मैं क्या करूँगा, अब मैं एडिशन कर सकता हूँ 0 से लेकर n-1 तक। n-1 का मतलब क्या है, जैसे 3 इक्वेशंस हैं या 4 इक्वेशंस हैं तो उतना n होगा उससे 1 कम तक, क्योंकि मेरी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। इसलिए poly1i को poly2i से प्लस कर दो। अब यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि ऐसा नहीं होगा कि भैया 3x³ + x1, ठीक है ना, +5। अब x² इस इक्वेशन में है ही नहीं, ठीक है ना, तो मैंने ऐसे अज्यूम नहीं किया, मैंने मान के चला है कि इक्वेशन कंप्लीट मिलेगी और एक अच्छे सीक्वेंस में मिलेगी। अगर वो सीधी सीधी इक्वेशंस मिलती हैं तो उनको मैं सीधा सीधा ऐड कर सकता हूँ और उसका रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट आई पे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है ना। रिजल्ट आई में स्टोर करने के बाद क्या है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट कराने का भी झंझट बड़ा होगा कि यार मैं इसको प्रिंट कैसे कराऊंगा, 3x² + 2x - 5 ये कैसे प्रिंट करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग ले लिया है, ठीक है ना, जो इसको प्रिंट करने का काम करेगी। फिर मैं एक लूप लगा रहा हूँ पूरे रिजल्ट एरे के लिए, जो हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ चलेगी,
मतलब ये हाईएस्ट डिग्री है 3x क्यूब की और ये x की पावर 0 ये लोएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री के लिए मैं एक लूप लिखूंगा। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि जब तक मैं 0 पे नहीं पहुंच जाता, जब तक मेरा रिजल्ट 0 पे नहीं हो पहुंच जाता, देख एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, तो ये मेरी इक्वेशन है। तो ये मेरा हाईएस्ट फैक्टर है, जब तक कि ये जाके मेरा 0 तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं चलता जाऊंगा। इफ इट्स नॉट द फर्स्ट टर्म एंड द कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, प्रिंट ए प्लस साइन, तो प्लस साइन लगा दीजिए। अगर ये पहली टर्म नहीं है, पहली इक्वेशन जैसे 4x स्क्वायर है, इसके आगे प्लस नहीं ना लगेगा, तो मैंने क्या किया है कि अगर पहली टर्म नहीं है, अगर पहली टर्म है तो प्लस का साइन लगाए, नहीं तो ना लगाए, ठीक है ना। फिर कोएफिशिएंट प्रिंट करना है, इफ आई इज इक्वल टू 0 प्रिंट द कोएफिशिएंट ओनली। जैसे कि मेरा आंसर था अभी मैं भूल गया हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, तो पहली बार के लिए क्या होगा, कोई साइन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो क्या करेगा, एक्स आई लूप 2 से चल रही है और कोएफिशिएंट क्या था 4, ये प्रिंट कर देगा। अगली बारी वो क्या करेगा, अब फर्स्ट टर्म नहीं रही तो यहाँ पे प्लस साइन प्रिंट कर देगा, प्लस साइन प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो अगली बारी बस x ही डालेगा 3x, और उसके बाद अगली बारी टर्म के लिए फिर प्लस का साइन डालेगा, और क्योंकि i इक्वल टू 0 है तो सिर्फ कोएफिशिएंट प्रिंट करेगा, इसके साथ x कुछ नहीं लिखेगा। इस तरीके से मैंने ये एल्गोरिदम लिखा हुआ, आपकी बुक में ये जो एल्गोरिदम था, इस एल्गोरिदम का कोड लिखा हुआ था सी लैंग्वेज में, तो मैं आपको वो कोड भी दिखा देता हूँ, पर वो कोड आई थिंक आपको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कोड भी बहुत लेंथी जा रहा था, बाकी मैंने उस कोड को लिखा हुआ है, अगर आप वो कोड चाहते हो तो वो कोड भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते थे। तो ये मेरा कोड है सेम पॉलीनोमियल इक्वेशंस को लिखने के लिए, जो मैंने एल्गोरिदम लिखा है उसने बेसिकली एल्गोरिदम पूछा था, तो एल्गोरिदम क्या होता है, सिंपल स्टेप्स में लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर आपको कोड चाहिए तो आप इस कोड को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ऐड पॉलीनोमियल फंक्शन बना हुआ है जो इनको ऐड कर रहा है, मेन के अंदर 3 साइज के लिए एंड 3 इक्वेशन के लिए मैंने इस कोड को लिखा हुआ है, इसको चला के भी दिखा सकता हूँ। ये आपका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, और ये देखिए ये इक्वेशन थी आपकी, ठीक है ना, ये इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं। तो मेरी इक्वेशन थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 0 कंसिडर हो जाएगा, 0x की पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x अकेला और ये हो जाएगा 9, तो यही आपका आंसर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया हुआ। ओके तो ये मैंने आपका एल्गोरिदम का कोड भी लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट द कोड आप इस कोड को देख सकते हो, इस कोड को फॉलो कर सकते हो। ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट का मैंने ऑप्शन दे दिया है, एक यहाँ पे ले लीजिए और एक यहाँ पे ले लीजिए। ओके अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ अपना, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक था कि भाई थर्ड का बी पार्ट, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल के थ्रू हमें बताइए होता क्या है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल इक्वेशन क्या होती है, देखिए जैसे आपका ये चल रहा है, जैसे कि आपके पास एक डेटा पड़ा है, जैसे एक बुक है, बुक में क्या होता है, बुक में मान लीजिए 500 से 600 पेज पड़े हुए हैं, इन 500 से 600 पेज में आपको कोई चीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कोई कंसेप्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या होता है, बुक का एक इंडेक्स लगा होता है, ठीक है ना। उस इंडेक्स में क्या होता है कि ये टर्म इस पेज पे मिलेगी, ये टर्म इस पेज पे मिलेगी, उसी तरीके से इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कंप्यूटर्स में भी किया जाता होता है कि एक इंडेक्स बनाया जाता है कहाँ पे किस चीज़ को रखा जाएगा। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होता क्या है, एक हाइब्रिड है, ये मिक्सचर है सिक्वेंस में और इंडेक्स दोनों के कंसेप्ट को फॉलो करता है, या तो आप पेज बाय पेज भी चीज़ ढूंढ सकते हो, या इंडेक्स में एक एक करके भी ढूंढ सकते हो, या पर्टिकुलर टॉपिक पे सीधा भी पहुंच सकते हो, तो मिक्सचर है, ठीक है ना। इट इन्हांसेज द एफिशिएंसी ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीवल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इंडेक्स स्ट्रक्चर व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड रिट्रीव करने के, मतलब डेटा ढूंढने के प्रोसेस को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि इंडेक्स को कंसिडर करता है और सिक्वेंशियल ऑर्डर को भी कंसेप्ट करके चलता होता है। इन ISAM का मतलब है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन द मेथड, द फाइल इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स और पेजेस। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रखा जा सकेगा। रिकॉर्ड्स विद इन पेज आर टिपिकली स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, वही इसके अंदर जब डेटा रखोगे तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा रखोगे, जबकि पेजेस होते हैं लिंक किए जाएंगे लाइक अ चेन। इंडेक्स मेंटेन किया जाएगा डायरेक्ट एक्सेस के लिए उस रिकॉर्ड को या उस ब्लॉक तक पहुंचने के लिए।
इसके लिए दो अप्रोचेस को यूज़ किया जाता होता है, एक होता है स्टैटिक इंडेक्सेस और एक होता है डायनामिक इंडेक्सेस। जो फिक्स रहें वो स्टैटिक इंडेक्सेस रहेंगे, जो चेंज होते रहेंगे वो डायनामिक इंडेक्सेस रहेंगे। इसका एक एग्जांपल जैसे डिक्शनरी में आप बात करते हो, वही चीज़ मैंने बताई है कि डाटा इन द डिक्शनरी स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर, कि पहले ए वाली टर्म आएंगी सारी, फिर बी वाली टर्म्स आएंगी, फिर सी वाली टर्म्स आएंगी। हाउ आर इंडेक्सेस प्रोवाइडेड इन टर्म्स टू थंब टाइम्स, उसके साथ क्या होता है कि इंडेक्स मिला होता है कि ए टर्म कहाँ मिलेगी। तो सर्च फॉर ए वर्ड वी डो नॉट सर्च सिक्वेंशली, एक एक करके ढूंढोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हम इसको इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स से अपलोड लोकेशन फाइंड आउट करके फिर एलिमेंट को ढूंढते हैं। तो ये आपके इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके फायदे और नुकसान भी आप लिख सकते थे कि इससे क्या होता है कि रिकॉर्ड रिट्रीवल थोड़ी बढ़िया हो जाती है, रिकॉर्ड ढूंढने में आपका समय कम लगता है, ठीक है ना। ये सिक्वेंशियल एसेस की कैपेबिलिटी और सिक्वेंशियल एसेस की कैपेबिलिटी के कंसेप्ट को भी फॉलो करके चलता है, क्योंकि ये मिक्स है इंडेक्स और सिक्वेंशियल का, तो इंडेक्सिंग का भी फीचर मिल गया और सिक्वेंसिंग का भी फीचर मिल गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा के लिए, हो चाहे सिक्वेंस में रखना हो चाहे रैंडमली रखना हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज स्पेस को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब कम से कम स्पेस ले, तो इस चीज़ को ध्यान रखता है। लेकिन नुकसान क्या है, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में जो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली इंडेक्स मेंटेन करना और सिक्वेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इंडेक्स को अप टू डेट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और जैसे जैसे फाइल आपकी बढ़ती जाएगी आपका इंडेक्स का साइज बढ़ता जाएगा और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, दैट इज डिग्रेड होती जाएगी। तो ये आपका इंडेक्स फाइल सिक्वेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लेनेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज था। अब एग्जाम्पल मैं अब आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने एक सिचुएशन ली है कि मान लीजिए मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा अपने पास मेरे पास पड़ा हुआ है कि ये 6 स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, उनका नाम है और उनके ये ग्रेड्स हैं। जब मैंने ये फाइल बनाई, अभी के लिए मैंने एग्जांपल में 6 ही लिए हैं, बट इट कुड गो टू लाइक 50,000 60,000 और 1,00,000 स्टूडेंट्स। मान लीजिए 1,00,000 स्टूडेंट हैं, 1,00,000 स्टूडेंट में अगर आप स्टूडेंट आईडी ढूंढने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, कहाँ पे है स्टूडेंट आईडी कहाँ पे नहीं, और नाम वाइज ढूंढने में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक इंडेक्स बना के रखूँगा। तो ये मैंने इंडेक्स बनवाया है, इस इंडेक्स में क्या करूँगा, जैसे 1001 से 2 तक, अभी मैंने छोटे एग्जांपल ली है, तो एक जैसे मैं ये कर दूँगा, अभी इसी को समझाता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसका एक इंडेक्स बनाया कि मतलब इन 6 रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक इंडेक्स बनाऊंगा। इंडेक्स में क्या होगा, जैसे पहले 2 इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला इंडेक्स ही काफ़ी है, जो कि पहले रिकॉर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है। जब मैं यहाँ तक पहुँच गया तो उसके अगला मैं पॉइंट आउट उठा ही लूँगा। ऐसे ही 3 का और ऐसे ही 5 के रिकॉर्ड्स को मैंने रखा हुआ है, ये पॉइंट करते हैं, ये पॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये पॉइंट टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ये पॉइंट टू थर्ड रिकॉर्ड और ये पॉइंट टू फिफ्थ रिकॉर्ड है। तो अगर मुझे 1002 चाहिए तो मैं 1001 के पास जाऊंगा और वहां से प्लस 1 करके नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लूंगा, सेम 1003 से और 1005 से। अभी आपको ये समझ नहीं लगेगा कि भैया ये एक एक का गैप क्यों है। मान लीजिए अब यही 100,000 रिकॉर्ड है, तो पहली बार मैं क्या करता, 1001 से 1010 तक का इंडेक्स का पॉइंटर ये रहा, 1010 से 1020 तक का इंडेक्स पॉइंटर ये रहा। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने 1017 में पहुंचना है तो सीधा मैं 1010 पे पहुंचता इंडेक्स की मदद से और वहां से सिक्वेंसिंग कर लेता एक एक करके 17वें रिकॉर्ड पे पहुंच जाता। तो ये आपका इंडेक्सिंग रिकॉर्ड का एग्जांपल था जो आप अपने पेपर में लिख सकते थे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा, ठीक है ना। ये आपके थर्ड के बी क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें उसने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल पूछा हुआ है। भैया ये भी हर बार आ रहा है क्वेश्चन में, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलते हैं अपने वीडियो में इस टॉपिक पे। तो ट्रवर्सल्स होता क्या है, सीधा क्वेश्चन मत सोल्व करो, बेटर है पहले एक्सप्लेन कर दो कि होता क्या है। तो भैया 3 ट्रवर्सल टेक्निक्स होती हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये जो नाम होता है प्री, इन और पोस्ट, ये आपकी पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है रूट की। प्री, इन और पोस्ट, रूट नोड, ये रूट नोड कहलाता है जो सबसे ऊपर होता है, और ये जो सबसे एंड पे जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता वो लीफ नोड्स कहलाते हैं, ये आपके लीफ नोड्स हैं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, और अच्छा ए के जो लेफ्ट में होता है तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड कहलाता है, और ए का जो राइट में होता है वो इसका राइट चाइल्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट की पोजिशन पहले होगी। इन ऑर्डर में रूट की पोजिशन इन बिटवीन होती है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट की पोजिशन सबसे एंड में होती है। उसके बाद लेफ्ट और राइट में से हमेशा आपने जैसे आर्मी मार्च करती है लेफ्ट राइट उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो रूट के बाद लेफ्ट और लेफ्ट के बाद राइट, रूट लेफ्ट राइट प्री ऑर्डर में होता है, लेफ्ट रूट राइट ये होता है आपका इन में, और लेफ्ट राइट
एंड रूट, ये आपका होता है पोस्ट में। तो रूट यहाँ पे इन बिटवीन है, पहले है, यहाँ पे इन बिटवीन है और यहाँ पे एंड पे है। और इसके अलावा हमेशा लेफ्ट पहले प्रोसेस होगा, राइट बाद में, हर एक कंसेप्ट में, ठीक है जी। तो यही मैंने आपको समझाया हुआ। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए रूट को रिप्रेजेंट कर लो एन से, लेफ्ट को एल से और राइट को आर से। तो ये होता है हमारा एन एल आर, ये होता है एल एन आर और ये होता है एल आर एन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। एन एल आर ये ठीक है, ये एल एन आर ये भी ठीक है, एल आर और एन ये होता है, ठीक है ना। तो पहले आप ये एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है ना, और उसके बाद आपका ये आंसर है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का, ठीक है ना। समझते हैं कैसे। तो जैसे आपका ये ट्री है, पहले मैं एक सिंपल समझा दूँ फिर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जैसे ए है, बी है, सी है, अगर मैं प्री ऑर्डर कैलकुलेट करूँ तो प्री में क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रिंट कर लो ए, उसके बाद लेफ्ट में चले जाओ बी और उसके बाद राइट में चले जाओ सी। अगर मैं इन की बात करूँ तो जैसे ये एक रूट है, रूट को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले इसके लेफ्ट की तरफ चले जाओ, मतलब बी, तो पहले बी प्रिंट होगा, फिर रूट ए, फिर राइट सी। और अगर पोस्ट होगा तो इसी ट्री के राइट में पहले, लेफ्ट में पहले चले जाओ और फिर राइट में चलो, तो लेफ्ट में पहले बी, फिर राइट सी और फिर पोस्ट रूट ए। तो ये आपका प्रोसेस होता है सिंपल ट्री को प्रोसेस करने का। अगर आप ए बी सी की बात करोगे तो ए बी सी का आपका प्री इनर पोस्ट ये आएगा। अब हम इस पे यही चीज़ कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो प्री ऑर्डर था तो मैंने यहाँ से शुरू किया, सबसे पहले रूट प्रोसेस करना था ए, तो मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया। फिर मैंने लेफ्ट में जाना था, लेफ्ट में गया तो ये खुद एक रूट ट्री है, तो अगेन इसी प्रोसेस को फॉलो किया, इसके रूट को प्रिंट कर लिया तो बी प्रिंट हो गया। फिर आया इसके लेफ्ट में गया सी, तो सी प्रिंट कर दिया। अब सी का लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है तो मैं बैक ट्रैक करूँगा, सी का बी प्रोसेस कर चुका हूँ, आगे डी इसका राइट में गया। ये खुद एक ट्री था, क्योंकि खुद एक ट्री था तो इसका डी पहले, रूट पहले, फिर इसका राइट ई। अब मैं ए का सारा लेफ्ट प्रोसेस कर चुका हूँ, अब मैं राइट में जाऊँगा, राइट में गया तो ये खुद एक ट्री है, तो खुद एक ट्री है तो पहले इसका रूट एफ, फिर इसका लेफ्ट जी, फिर इसका राइट एच। तो ये आपका तरीका था, ये आपका आंसर था प्री ऑर्डर का। ओके, अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। जब मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करूँगा तो पोस्ट ऑर्डर में क्या है, यहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन रूट प्रोसेस करने से पहले मुझे लेफ्ट प्रोसेस करना है, तो मैं लेफ्ट में आ गया। जब मैं लेफ्ट में आया तो भैया ये खुद एक ट्री था, क्योंकि खुद एक ट्री था तो फिर इसके लेफ्ट में जाना पड़ा, तो मैं इसके लेफ्ट में आ गया सी। जब मैं इसके इस रूट पे आया सी पे, तो ना इसका लेफ्ट था ना इसका राइट था, इसलिए मैं सी को सीधा प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इन ऑर्डर को सी प्रिंट कर दिया। अब मैं बैक ट्रैक करूँगा, क्योंकि ये लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है तो इसका रूट है वो प्रोसेस होगा, इसका रूट था बी तो बी प्रोसेस हो गया। फिर मैं इसके राइट में गया, जब मैं राइट में गया तो ये खुद एक ट्री है, खुद एक ट्री है तो फिर से मैंने वही कंसेप्ट फॉलो किया कि रूट का लेफ्ट पहले प्रोसेस होगा, मतलब ई, फिर इसका रूट डी। अब ये ए है, ए का सारा लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है तो अब ए की टर्न आ जाएगी, इसलिए ए, ठीक है ना। और ये जो एफ जी एच है, आप इसी कंसेप्ट को फॉलो कर लो जो यहाँ पे सीधा समझाया है। तो भैया पहले जी आएगा, फिर एफ आएगा और फिर एच आएगा, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना। तो ये आपका इन ऑर्डर था। अगेन पोस्ट ऑर्डर पे जब मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर को, तो फिर वही बात कि ये रूट है, रूट के लेफ्ट में गए, फिर ये रूट है तो लेफ्ट में गए, इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं था तो सी को मैंने पहले प्रिंट कर दिया। फिर मैंने इसका राइट प्रिंट करना था, तो सी का जो रूट है बी, इसका राइट था डी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये खुद एक ट्री था तो अगेन इसके लेफ्ट की तरफ गया पहले, तो मैंने ई प्रिंट किया। ई प्रिंट करने के बाद इसका राइट प्रिंट करना था जो कि नहीं था, फिर इसका रूट प्रिंट करना था जो डी था, तो डी प्रिंट किया। डी प्रिंट करने के बाद बी का नीचे वाले चाइल्ड पहले प्रोसेस हो चुके हैं, मतलब बी का राइट लेफ्ट भी प्रोसेस हो गया है, राइट भी प्रोसेस हो गया है, तो अब टर्न आ गई थी बी की, तो मैंने बी को प्रोसेस किया, ठीक है ना। ए का लेफ्ट प्रोसेस हो गया है तो ए की बारी आने से पहले ए का राइट प्रोसेस होगा, तो राइट में गया, राइट में खुद एक ट्री है, तो यहाँ पे फिर से मैंने इसी कंसेप्ट को देखा कि भैया पहले लेफ्ट जी, तो जी प्रिंट किया और फिर रिवर्स ऑर्डर में बैक ट्रैक करूंगा, एच एफ एंड देन ई, एच एफ एंड ई। तो ये आपके फोर्थ के ए टॉपिक का आंसर था। आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा, ठीक है ना, ये ट्रेवर्सल था। इसी के साथ चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक था रेड ब्लैक ट्रीज क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो और नोड कैसे इंसर्ट करोगे इसको एक्सप्लेन करो। तो रेड ब्लैक ट्रीज क्या होते हैं उसको देखते हैं। रेड ब्लैक ट्रीज सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं, चाहे आप एवीएल कह लो
चाहे आप AVL कह लो, AVL ट्रीज होते थे, AVL ट्री मैंने पिछले वीडियो इसी क्वेश्चन में था, AVL ट्री एडल्सन वेल्स के एंड लैंडिस, ये भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज थे, ये उसी की तरह ही हैं, सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज हैं और बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, रेड ब्लैक ट्री बनाने का फ़ायदा क्या है, इस तरीके के ऑपरेशन इंसर्ट डिलीशन और सर्च कम से कम टाइम में बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर में हो जाए, ठीक है ना। इसमें हर एक नोड को दो कलर दिए जाते हैं, जब भी आप एक नोड बनाओगे ना, इट कैन बी इधर रेड और इट कैन बी इधर ब्लैक, दैट्स वाई द टर्म इज कॉल्ड रेड ब्लैक ट्री, ठीक है ना। जब भी आप एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो इस रेड ब्लैक ट्री में, तो ये हो सकता है कि आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो बैलेंस को सही कैसे करोगे, या कलर चेंज करोगे, या रोटेशंस करोगे, या और इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशंस को फोकस करके इस ट्री को बैलेंस करोगे। इस ऑपरेशन से को बैलेंस करने से आपके ट्री का बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। रेड ब्लैक ट्री इंश्योर्स एफिशिएंट ऑपरेशंस विद ए वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑपरेशंस अच्छे से होते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लेते होते हैं। रेड ब्लैक ट्री कहाँ पर सूटेबल है, सर्चिंग इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंटली चाहिए आपको, अच्छे से चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप रेड ब्लैक ट्री यूज़ कर सकते थे। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था रेड ब्लैक ट्री का। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और डायग्राम, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कहता है हर एक नोड का कलर होगा भैया या रेड होगा या ब्लैक होगा, रूट हमेशा ब्लैक होना चाहिए, रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक, यहाँ पे ये ब्लैक होना चाहिए था, ठीक है ना। ऑल लीफ नोड्स आर कंसिडर्ड ब्लैक, जो लीफ नोड्स होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता, इनको ब्लैक किया जाएगा, तो रूट भी ब्लैक होगा, लीफ नोड्स को ब्लैक माना जाएगा। अगर नोड रेड है तो इसके दोनों चिल्ड्रंस का ब्लैक होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाई है कि अगर आपका नोड रेड है तो दोनों चिल्ड्रंस का ब्लैक होना जरूरी है। एवरी पाथ फ्रॉम ए नोड टू इट्स डिसेंडेंट लीफ नोड्स कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स, अगर आप इस रूट को फॉलो करोगे तो कितने नोड हैं ब्लैक, एक। इस रूट को फॉलो करोगे कितने ब्लैक नोड हैं, एक। इस रूट को फॉलो करोगे कितने ब्लैक नोड हैं, एक। इस रूट को फॉलो करोगे कितने ब्लैक नोड हैं, एक। तो ब्लैक नोड टोटल रूट में आपके डेप्थ में जाते हुए एक ही होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी रेड ब्लैक ट्री की, ठीक है ना। फिर भैया कहता है कि इंसर्ट कैसे करोगे भैया नोड, तो नोड को इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या है, कहता है मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं, कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहले नोड ऐड करते हो, जैसे आप BST में एलिमेंट पोजीशन ढूंढते हो ना, तो जैसे आपका एक ट्री बना हुआ था, जैसे 5, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, 5 2 4 6 1, तो 5 आपने टॉप पे इंसर्ट कर दिया, 2 2 क्या है इसका छोटा है तो लेफ्ट में चले गए, फिर 4 क्या है, 4 5 से छोटा है, 2 से बड़ा है तो इधर चला गया, 6 5 से बड़ा है, 6 इधर चला जाएगा, 5 से छोटा है 1, 2 से छोटा है 1, तो 1 इस तरफ आ जाएगा। अब इसी में जैसे अगला एलिमेंट आप इंसर्ट करने जा रहे हो 3, तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो इस तरफ आ जाओ, 2 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो इस तरफ आ जाओ, 4 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले आप इसी तरीके से अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर देना, और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी रेड ब्लैक प्रॉपर्टीज टूटी तो नहीं है, तो वही चीज़ बताई हुई है। तो पहले स्टैंडर्ड BST इंसर्शन कर दो, जब आपने नोड इंसर्ट कर दिया, जो पहला नोड इंसर्ट करोगे उसका ध्यान रखना कि उसको रेड नोड ही रखना है, रेड का नोड ही रखना है। अब चेक करो कि कोई वायलेशन तो नहीं हुई, अगर न्यू नोड रूट है, न्यू नोड अगर रूट बनता है तो इसको ब्लैक कर दो, पहला कंसेप्ट। अगर न्यू नोड्स पेरेंट इज ब्लैक, जो नया नोड इंसर्ट किया है, जैसे ये जो है इसका पेरेंट, ये नया नोड 3 इंसर्ट किया है, इसका पेरेंट अगर ब्लैक है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपका ट्री ठीक है। अगर नोड पेरेंट इज रेड, अगर ये नोड का पेरेंट रेड है, तो हमारी वायोलेशन आ गई, ठीक है ना, 2 कंसेक्टिव रेड नोड्स की, इसके लिए हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस फिक्स को कैसे सॉल्व करोगे, द फिक्स डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द न्यू नोड्स अंकल, अब इसका अंकल कौन है, इसका अंकल है ये, इसका 3 का अंकल कौन है, ये, क्योंकि ये इसका फादर है और ये इसका फिर अंकल हुआ, तो इस अंकल के कलर को देखेंगे हम। अगर अंकल रेड है, ये दोनों रेड थे और ये अंकल भी रेड है, तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, रीकलर द पेरेंट एंड अंकल टू ब्लैक, इन दोनों को ब्लैक कर दो, रीकलर द ग्रैंड पेरेंट टू रेड, इसके ग्रैंड पेरेंट को रेड कर दो, ठीक है ना, मूव अप द ट्री टू द ग्रैंड पेरेंट एंड रिपीट, यही चीज़ बार बार करते जाइए, तो ये प्रोसेस होगा अगर आपका अंकल रेड है। और अगर आपका अंकल ब्लैक है तो आपको रोटेट और रिकलरिंग दोनों करनी पड़ेगी। देर आर टू सब केसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द न्यू नोड इज अ लेफ्ट और राइट। अब आपने ये देखना है, अगर अंकल ब्लैक है तो जैसे ये 4 था, 4 के इधर 3 था, इधर 2 था और इधर 5 था, ये चीज़ बनी हुई थी। अब ये रेड था, ये रेड था, ये ब्लैक था, ठीक है ना, तो अब आपको रोटेशन और रिकलरिंग दोनों करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना है जो नया नोड डाला है वो लेफ्ट में डाला है या राइट में डाला है, ठीक है ना, और इसका जो पेरेंट है वो कहाँ पे है, पेरेंट इसके लेफ्ट में है या इसके राइट में है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रोटेशंस करनी पड़ेंगी। वंस रोटेशंस आर डन, फिर आपको रीकलर करना पड़ेगा। तो ये आपके
इंसर्शन करने के आपके प्रोसेस था कि आप नोड को रेड ब्लैक ट्री में कैसे इंसर्ट करोगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ये था आपका फोर्थ का बी पार्ट कि रेड ब्लैक ट्री क्या होते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ के ए पार्ट में, जिसमें उसने बाइनरी सर्च के बारे में पूछा हुआ, राइट एंड एक्सप्लेन एल्गोरिदम और एप्लीकेशन का क्या होती है। तो बाइनरी सर्च भाई कई बार बता चुका हूँ, बाइनरी सर्च क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है एलिमेंट को ढूंढने की। आपकी लिस्ट सॉर्टेड होनी जरूरी है। मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट पड़ी है 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट का सॉर्टेड होना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, मान लीजिए 20। तो इस एलिमेंट को ढूंढने को हम आइटम बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, सीधा ही पहले इसका मिड निकालेगा। तो मिड क्या हुआ आपका 15 हुआ। इस मिड को कंपेयर करेगा अपने आइटम से, मैच करता है, अगर मैच करता है तो ठीक है यहीं पर रुक जाओ, अगर मैच नहीं करता है तो ये डिसाइड करेगा कि इस तरफ एलिमेंट मिलेगा या इस तरफ एलिमेंट मिलेगा। अगर 15 जो मिड है आपका, मिड आपका लेस देन आइटम होगा, ठीक है ना, लेस देन होगा, तो इसका मतलब हमने हमारा एलिमेंट इस तरफ पड़ा है। ऐसे सिचुएशन में बिगिनिंग जो यहाँ पे थी वो मूव होके यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो आपका एंड चेंज होगा, एंड जो आपका 25 पे था वो मूव होके एंड आपका 10 पे आ जाएगा, मतलब इस तरफ मूव कर जाएगा। ओके, तो यही आपकी बताया हुआ है। फास्ट टेक्निक है एलिमेंट ढूंढने की एज कम्पेयर टू बाइनरी लीनियर सर्च, ये फास्ट टेक्निक है, ठीक है ना। हमेशा मिडल ऑफ द एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है आइटम से और तीन पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिए हैं आपको। बाइनरी सर्च सिर्फ शॉर्ट लिस्ट पे लगेगी, बड़े एलिमेंट्स है ज़्यादा एलिमेंट्स है तो ये बहुत अच्छी है भैया, ठीक है ना, कम पे मत अप्लाई करना, ये कम टाइम लेती है। अब जैसे तीन एलिमेंट है या पाँच एलिमेंट्स है, कहता है इस पर भैया लीनियर सर्च ही लगा लो। लेकिन अगर 5000 है, 50000 एलिमेंट्स है, तो भाई बाइनरी सर्च को फॉलो करो। बाइनरी सर्च जो है टाइम कम लेती है लेकिन मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन थी बाइनरी सर्च की। अब इसका एल्गोरिदम, तो ये आपका एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम में क्या है, मैंने एल्गोरिदम का नाम क्या रखा है, एल्गोरिदम का नाम है बाइनरी। जो मेरी लिस्ट थी जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इसको मैंने कहा है डेटा। ये है मेरी डेटा, बिगिनिंग एंड मिड। ये इंडेक्सिंग अगर करूँ तो ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। तो मेरे बिगिनिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टार्टिंग में 0, और मेरे एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड की वैल्यू हो जाएगी 4। आइटम जो एलिमेंट ढूंढना है, अभी मैंने जैसे 20 लिया था तो मेरा आइटम कितना कंसिडर हो जाएगा, आइटम कंसिडर हो जाएगा 20। लोकेशन एलिमेंट कहाँ पे मिलता है, आइटम 20 कहाँ पे मिलेगी, तो वो लोकेशन रिप्रेजेंट करेगी। शुरू में मैं लोकेशन की वैल्यू -1 रखूँगा। फिर मैंने क्या किया है, बिगिनिंग 0 एंड एन -1 जो मैंने कर दिया। फिर मिड कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, तो मिड निकलेगा बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, तो 0 + 4/2, तो ये आ गया 4/2 विच रिजल्ट्स टू 2। तो मेरा मिड कितना कैलकुलेट हुआ, मेरा मिड कैलकुलेट हो गया 2। अब जब तक आपका बिगिनिंग एंड से छोटा है, जैसे आप देख रहे हो 0 < 4 है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है या जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिलता, तब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना 3 और 4, ठीक है ना। तो मैच नहीं हुआ, डेटा मिड नॉट इक्वल टू आइटम कंडीशन ट्रू हो गई, और बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप चेक करो आइटम लेस देन डेटा मिड है, मतलब आइटम क्या है 20, लेस देन डेटा मिड 2 पे क्या पड़ा है 15, 20 लेस देन 15 है, नहीं है, तो एल्स चलेगा, बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो। बिगिनिंग की वैल्यू जो 0 है वो चेंज होकर मिड प्लस 1 हो जाएगी, तो बिगिनिंग की वैल्यू हो गई 2 + 1 = 3। अब नया बिगिनिंग क्या हो गया मेरा, नया बिगिनिंग मेरा हो गया 3, एंड में कोई चेंज नहीं आया 4, और फिर फोर्थ स्टेप लगा, दोबारा मिड कैलकुलेट किया गया, तो ये हुआ 3 + 4/2, दैट इज 7/2, दैट इज 3.5। लेकिन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इंट लगा हुआ है, तो ये कंसिडर करेगा 3। तो अब मेरा मिड कितना आ गया, मिड मेरा आ गया 3। अगेन ऊपर जाएगा, बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है, हाँ है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मिड 3 में क्या पड़ा है, मिड 3 में 20 पड़ा है, 20 = आइटम 20 हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब थर्ड फोर्थ स्टेप नहीं चलेंगे। फिफ्थ स्टेप पे आया, डेटा मिड इक्वल टू आइटम है, हाँ बिल्कुल है, तो LOC की वैल्यू मिड कर दो। LOC की वैल्यू जो -1 थी ये चेंज होके LOC की वैल्यू जो मिड की वैल्यू है 3 हो जाएगी। इसका मतलब जो 20 नंबर आइटम है वो आपको थर्ड लोकेशन पे मिला है, जो कि बिल्कुल ठीक है।
अगर बाई चांस आपको एलिमेंट नहीं मिलता तो एल ओ सी की वैल्यू माइनस वन ही रखना, ठीक है ना, और प्रोसेस को एग्जिट कर देना। तो ये आपका एल्गोरिदम था बाइनरी सर्च का। फिर इसने पूछा था ये कहाँ अप्लाई होता है, तो एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं इसकी, एप्लीकेशंस भी देख लीजिए। बाइनरी सर्च सॉर्ट करने के लिए, सॉर्टेड एरे में एलिमेंट ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, ये तो सिंपल है। बी ट्रीज और बी प्लस ट्रीज जो इसी टॉपिक का पार्ट है, जहाँ पे आपको डेटाबेस इंडेक्सिंग करनी होती है, ये भी बाइनरी सर्च पे रिलाई करते हैं, ठीक है ना। साइक्लिक सॉर्टेड एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने में ये मदद कर सकता है। स्क्वायर रूट और लॉग कैलकुलेट करने में आपकी बाइनरी सर्च यूज़ की जाती है। जॉब स्केड्यूलिंग होता है, जॉब स्केड्यूलिंग के लिए बाइनरी सर्च यूज़ किया जा सकता है। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए, नेटवर्क का लोड आपने इक्वल करना है वहाँ पे, या कंप्रेशन टेक्निक हफमैन एनकोडिंग, आपने डेटा को कंप्रेस करना है, वहाँ पे भी बाइनरी सर्च प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। तो ये सात आपकी सिचुएशंस थी जहाँ पे आपका बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, BFS क्या है, BFS और DFS का डिफरेंस एक्सप्लेन करो। तो BFS क्या होता है, तो पहले मैंने BFS के बारे में बताया है। जैसे आपके पास कोई ग्राफ बना पड़ा है, ये आपके पास एक ग्राफ बना पड़ा है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपके पास एक ग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इस ग्राफ में ये आपके नोड्स हैं ए बी सी डी ई, इनको इनमें से आपने एक सर्च नोड सर्च करना है कि मान लीजिए ई नंबर नोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका BFS यूज़ किया जाता है। तो BFS एक ट्रेवर्सल या सर्चिंग टेक्निक कहलाई जाएगी जो ग्राफ में से नोड को सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये नोड को लेवल बाय लेवल सर्च करती है, जैसे रूट नोड को पहले प्रोसेस करेगी। अब यहाँ पे ग्राफ में कोई रूट नोड नहीं होता, तो आप जिसको भी स्टार्ट नोड कंसिडर करोगे उसको रूट नोड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्री की बात करो, जैसे ये ए बी सी है, तो हमें क्लियर है कि हमारा रूट नोड ये टॉप वाला कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, मतलब पहले इस प्रोसेस को, फिर इसको, और फिर इसको, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली नोड, मतलब हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट डेप्थ टू नेक्स्ट डेप्थ मूव होता जाता है, जब तक कि एलिमेंट मिल नहीं जाता या आपके नोड ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है ना। ये क्या करता है, जैसे पहले ए के सारे नेबर्स को प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट डेप्थ पे जाएगा। ए के नेबर्स क्या है, बी और सी, अगर इनमें नोड नहीं मिल रहा है तब अगले पे जाएगा वो, ठीक है ना। अब जैसे कि ए के बाद जैसे इसने बी या सी को प्रोसेस करना है, तो मान लीजिए ये बी को प्रोसेस करने जा रहा है, तो इस सी को कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना, तो स्टोर करने के लिए जो BFS है वो क्यू का इस्तेमाल करता है। क्यू में अपने डाटा को रखता है, ठीक है ना, जो नोड विजिट करता है उसके साथ के नेबर्स जितने भी हैं उन सबको वो क्यू में मेंटेन कर लेता है। ये आपका BFS है। BFS का थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, जब आप BFS के एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करोगे तो भैया ध्यान रखना कि हम एन वर्टेक्स को विजिट करते हैं, वी विजिट वर्टेक्स एन, वी विजिट ऑल द वर्टेसेस। जब हम एक एन वर्टेक्स को विजिट करेंगे तो उसके सारे एडजेसेंट वर्टेसेस को विजिट करेंगे। हर एक विजिट के स्टेटस के तीन विजिट होंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जैसे ये आपका ग्राफ बना पड़ा है। तो शुरू शुरू में इन सभी नोड्स का स्टेटस मैं क्या रखूँगा, नॉट विजिटेड में रखूँगा। जब मैं इनको क्यू में डाल दूंगा, जब ये क्यू में पड़ जाएंगे तो इनका स्टेटस वेटिंग हो जाएगा, और जब ये क्यू से निकल के प्रोसेस हो जाएंगे या प्रिंट हो जाएंगे तब इनका स्टेटस मैं विजिटेड कर दूंगा। तो ये तीन स्टेटस गिने जाएंगे, ठीक है ना, और जब तक हम ट्रेवर्सल करते जाएंगे जब तक कि मेरे क्यू में एलिमेंट खाली नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट था। अब ये एग्जांपल मैं समझाई है आपको BFS की, ये जैसे आपके पास एक डायग्राम है, इसको प्रोसेस करते हैं, तो क्यू ले ली, क्यू खाली है बिल्कुल। सबसे पहले ए नोड को कंसिडर किया, अभी वर्टेक्स विजिटेड कोई प्रिंट नहीं हुआ। ए को मैं पहले क्या करूँगा, क्यू में डालूंगा, ठीक है ना, फिर क्यू में से ए को बाहर निकालूंगा, और ए के जितने भी नेबर्स हैं, ए के नेबर्स कौन कौन से हैं, बी डी और ई, ये वाले बी डी और ई, तो बी डी ई को मैं अपने क्यू में डाल दूंगा। तो पहले मैंने बी डाला, लेफ्ट से शुरू किया है, पहले बी डाला, फिर डी डाला, फिर ई डाला, ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, क्यू में सबसे पहले सबसे फ्रंट पे जो खड़ा है उसको बाहर निकालूंगा, तो ई को पहले बाहर निकाला, ई के नेबर कौन थे, मैंने बी को बाहर निकाला, बी क्यू में सबसे आगे लगा हुआ है, तो बी को बाहर निकाला, तो बी का नेबर कौन था, सी, सी सबसे एंड में जाके क्यू में लग गया और बी की जगह खाली हो गई। फिर अगला उठाया डी, डी का कोई नेबर नहीं था, तो एज इट इज़ रहा, जो जो बाहर निकल रहा है उसको यहाँ पे मैं वर्टेक्स विजिटेड में प्रिंट करता जा रहा हूँ, ए बी डी। फिर आगे चलते हैं, ई प्रोसेस किया, ई को प्रिंट कर दिया, ई का नेबर था एफ, फिर सी प्रोसेस किया, सी का कोई नेबर नहीं था तो एज इट इज़ रहने दिया,
फिर एफ प्रोसेस किया, एफ के नेबर से जी एच उनको डाल दिया, फिर जी प्रोसेस किया, फिर एच प्रोसेस किया, इन द एंड वर्टेक्स लिस्टेड में आपकी ए बी डी ई सी एफ जी आ गया था। तो ये बी एफ के एक्सप्लेनेशन में, बी एफ एस के एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते थे। यहाँ पे इतना बड़ा आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, आप क्या करते, आप मान लीजिए इतना सा ही डायग्राम लिख के इसको बना के दिखा देते, इसका बी एफ एस निकाल के दिखा सकते, क्योंकि जब वो व्हाट इज बी एफ एस पूछ रहा है तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी, पेपर में लेंथ भी मैटर करती है। फिर उसने पूछा था बी एफ एस और डी एफ एस का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है भैया, ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है दोनों, बी एफ एस हो जाए या डी एफ एस हो जाए, दोनों ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक्स हैं। बी एफ एस जो है ये क्यू का इस्तेमाल करती है इंटरमीडिएट नोड्स को स्टोर करने के लिए, जो डी एफ एस है वो स्टैक का इस्तेमाल करती है, ये लेवल बाय लेवल सर्च करती है, ये डेप्थ वाइज एलिमेंट को सर्च करती है। बी एफ एस क्या करती है, पहले सारे नेबर्स को प्रोसेस करेगी तब अगले लेवल पे जाएगी, डी एफ एस सारे लेवल को लेवल प्रोसेस करती जाती होती है, यानी डेप्थ के डेप्थ को प्रोसेस करती जाती होती है और बाद में बैक ट्रैकिंग करती है। बी एफ एस मेमोरी कम लेता है क्योंकि इसको चाइल्ड पॉइंटर हर एक लेवल पे मिल जाता है, डी एफ एस भी लेस मेमोरी लेता है और ये एक इट स्टोर्स ओनली वन पाथ, एक पाथ ही स्टोर करता है रूट से लीफ नोड का। बी एफ एस शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी करता है, बी एफ एस जब अप्लाई करोगे ना ग्राफ में तो ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देगा, डी एफ एस कोई गारंटी नहीं करता है। बी एफ एस और डी एफ एस दोनों कंप्लीट है, अगर सोल्यूशन पड़ा है तो ढूंढ के दे देंगे आपको, मिल जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी भी दोनों की सेम है, वो टाइम बिगो नोटेशन में कम्प्लेक्सिटी क्या है, टोटल वर्सेस प्लस एजेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ही बी एफ एस का इंप्लीमेंट होता है। डी एफ एस भी इसी तरीके से सेम टाइम कम्प्लेक्सिटी लेता है। बी एफ एस को शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स सिचुएशंस के लिए अनवेटेड ग्राफ्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, डी एफ एस को पजल सॉल्व करने को, पाथ्स फाइंड करने को, मेजेस को सॉल्व करने को, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में डी एफ एस का इस्तेमाल किया जाता होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ, आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, चीयर्स।